हेलो 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 Kindly rise for the entrance procession. कृपया प्रवेश गीत के लिए खड़े हो जाएं। शरणं प्रभु शरणं
शरणम प्रभु शरणम। पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु कृष्ण की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रेम में यीशु में मेरे सहयात्रियों, आज पूरी माता कलीसिया पिंतेकोस्त समारोह यानी कलीसिया के जन्म दिवस मना रही है और मेरठ धर्म प्रांतीय परिवार के लिए खुशी का दिन है कि हम सब एक साथ धर्म सभा समारोह इस महागिरिजाघर में भाग ले रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 11 में हम पाते हैं जब बाबुल के लोग अहम और स्वार्थ के कारण ईश्वर की बराबरी करना चाहा, बल्कि उनके अहम और स्वार्थ उन्हें अलग अलग भाषा भाषियों में विभाजित किया। लेकिन आज के दिन प्रेरित गण एक कमरे में बंद थे। जैसे प्रभु यीशु ने उन्हें कहा था कि तुम्हें जब तक सहायक नहीं मिले तुम लोग यरूशलेम को ना छोड़े, और पिता ईश्वर की धन्यवाद देते रहे और प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनकर सारे प्रेरित गण एक कमरे में पिता ईश्वर की धन्यवाद करते रहे। और हम जानते हैं कि इसी दिन प्रभु ने जैसे उनसे वादा किया ठीक वादा को पूर्ण करते हुए उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतराती है। यानी डर के कारण जब प्रेरित गण बंद कमरे में थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आई वो निडर होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए बोले। और वहीं पर जो लोग आए हुए थे अलग अलग भाषा के लोग, संत पेत्रुस की भाषण अपनी अपनी भाषा में सुनकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझे और उनमें विश्वास किए। और ये सब इसलिए संभव हुआ कि वे लोग प्रभु की बातों को सुने और उनके वचन के मुताबिक अपने जीवन जिए। जब हम अपने जीवन में अहम और स्वार्थ को हटा देते हैं और निस्वार्थ भरे जीवन, क्षमा की भावना और सेवा की भावना के साथ एक जीवन जीते हैं तो हम एक साथ प्रभु में जुड़े रहेंगे। और जब हम एक साथ जुड़े रहेंगे तो सहयात्री कलीसिया को हम इस दुनिया में प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे संपन्न कर सकते हैं। और आज के दिन प्रेरितगण पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित किए, हम भी इस गिरजाघर में आज इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु को अपने जीवन में पाते हुए, पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में पाते हुए हम भी उन प्रेरितों के समान अपने जीवन इस दुनिया में जी सकते हैं। तो आइए आज हम विशेष रूप से
इस मिसा बलिदान में प्रभु यीशु मसीह से यह विनती एवं याचना करें ताकि प्रभु हमें अपने आत्मा से भर दें, ताकि हम इस सहयात्र कलीसिया को इस दुनिया में जीते हुए प्रभु के सच्चे पुत्र पुत्रियां के समान अपने जीवन बिताए। आमीन। आइए अपने गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगे ताकि हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य कर्म से और अपने कर्तव्य पुराना करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब संतों, सब संतों और आप लोगों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। ईश्वर की हो ऊपर शांति सुजन पाए।
सुजन पाए। सुत है क्रिस्त प्रभु है गाए सदा हम तेरा गुण गान। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे ऊपर शांति सुजन पाए। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे ऊपर शांति सुजन पाए। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तू इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों कर दे पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे ताप पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। Stand.
पहला पाठ। पेंतेकोस्त के दिन यहूदी सिनाई पर अपने पूर्वजों के लिए मूसा संहिता की घोषणा का उत्सव सुनाते थे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पड़ने वाले पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का वरदान प्रकट हुआ और एक नए विधान की घोषणा हुई, जो यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। प्रेरित 11 तक वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोगों वे आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पदोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफीलिया, मिस्र और क्रीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु हैं। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यह बात है, हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसा ही तुम्हें भेजता हूँ। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पेंतेकोस्त का पर्व है, आज पवित्र आत्मा का पर्व है। हम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं अक्सर, हम पुत्र परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम में बहुत कम ऐसे हैं अक्सर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते होंगे। पवित्र आत्मा अधिकतर लोगों के लिए एक भुला हुआ व्यक्ति है। यद्यपि आज के दिनों में विशेष करके करिश्माई प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे बीच में हमने अनुभव करना सीखा है। पवित्र आत्मा प्रिय भाई बहनों कलीसिया की आत्मा है। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि चेलों पर और मां मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आने की घटना का वर्णन आपने सुना। क्या परिवर्तन आ जाता है उन चेलों में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय? ये सब चेले प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिए थे, यहां तक कि उनको वो मानने के लिए उनका स्वामी है कोई तैयार नहीं था उस समय। सबके सब उनको छोड़कर निकल गए थे। संत योहान जरूर दूर से उनका साथ दे रहा था, नहीं तो हम जानते हैं उनमें से कोई भी उनके साथ नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी कई बार उनको दर्शन देने के बावजूद भी वे उनमें उनके पुनर्जीवन में वे विश्वास नहीं कर पाए थे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उनको बता दिया था, आप लोग यरूशलेम छोड़कर मत जाना जब तक कि ऊपर की शक्ति से ऊपर के सामर्थ्य से तुम भर जाओगे, यरूशलेम छोड़ के मत जाना। और उसके आदेश अनुसार वे सब माता मरियम के साथ उस कमरे में उपस्थित थे। आकाश से एक आंधी की तरह आवाज सुनाई देती है, जलते हुए जीवों के रूप में पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर आता है। और अब देखिए क्या परिवर्तन इन्हीं लोगों में आ जाता है। अब से वे उनको कोई कमरा बंद कर नहीं रख सकता है, उस कमरे का दरवाजा खोलकर वे बाहर निकल आते हैं और वहां उपस्थित बड़ी भीड़ के सामने उस प्रभु का प्रचार करने लगते हैं। कुछ समय के पहले उनका नाम लेना भी वे अपमान समझ रहे थे, उस प्रभु का वो प्रचार करने लगते हैं जिस प्रभु को तुमने क्रूस पर टंगा के मार दिया है, वो तुम्हारा मुक्तिदाता है, उसमें तुम विश्वास करो, अपने पापों के लिए पछताओ। आप लोगों ने यह अनजान में किया हो, लेकिन ईश्वर ने यह कार्य आप लोगों के लिए किया है कि उसके द्वारा आप लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाए। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, संत पत्रास का प्रवचन को सुनकर उसके बाद उसी दिन 3000 से ज्यादा लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। किसके सामर्थ्य से यह सब संभव हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या ज्ञान हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, संत योहन के उन प्रवचनों में हम देखते हैं वो एक ऐसे ही शास्त्री द्वार जैसे वो बोलने लगता है, जबकि वे साधारण मछुए थे। कहां से आया उनमें यह ज्ञान? किसने यह ज्ञान दिया संत पत्रास को? वो ज्ञान और कहीं से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ।
यही लोग डर के भाग गए थे, कहां से आया वो शक्ति, अभी राजा महाराजाओं के सामने खड़े होकर बोलने की शक्ति किसने दिया उनको? और किसी ने नहीं, बल्कि प्रभु की आत्मा ने, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिला। जब उन्हें वो प्रताड़ित किया गया, वे प्रभु के लिए दुख भोगने के लिए वो तैयार हो गए। यदि हम प्रेरितों के कार्यकलाप को इतिहास हम पढ़ेंगे, प्रिय भाई बहनों, ये पूरा का पूरा कार्यकलाप पवित्र आत्मा के कार्यों का वर्णन करता है। कैसे पवित्र आत्मा उनके बीच में का क्रियाशीलता उनके बीच में, और पवित्र आत्मा ही प्रारंभिक कलीसिया का अगुआ कर रहा था, उनका जान था, उनकी आत्मा थी। शायद आज हम पूछ सकते हैं या पूछते हैं, प्रिय भाई बहनों, जो आदि कलीसिया में या प्रारंभिक कलीसिया में जो आत्मा कलीसिया में विद्यमान था, आज कहां है? आज वही है जहां आदि कलीसिया में था, वो आत्मा आज भी क्रियाशील है। पवित्र आत्मा के बिना, प्रिय भाई बहनों, ये कलीसिया एक निर्जीव शरीर के रूप में है। पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया चल नहीं सकती है। नेपोलियन ने एक दिन कहा था, जब वो अपने शिखर के अपने ऊपर पहुंच गया था, कि मैं तुम्हारे कार्डिनल से, उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारी कलीसिया को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा था, तुम्हारे बस की नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी कलीसिया को नष्ट कर दूंगा मैं। उन्होंने, उस कार्डिनल ने कहा था कि हम चाहें हम भी नहीं कर पाएंगे, कलीसिया को नष्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ प्रिय भाई बहनों, कलीसिया की आत्मा या संचालक हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा है। यदि हम पवित्र आत्मा के कार्यों को देख नहीं पाते हैं, हम अपने दिल के द्वार को, अपनी आत्मा की आंखों को उसकी कृपा के लिए खोला नहीं है, हमारे आंखों के सामने दिन प्रतिदिन उनके महान कार्य संपन्न हो रहे हैं। कलीसिया के बिना, ये कलीसिया निर्जीव शरीर है। कलीसिया पवित्र आत्मा के बिना, प्रिय भाई बहनों, संस्कार सिर्फ धर्म रीतियां रह जाती हैं। जब पवित्र आत्मा उनमें उतर जाता है, ये संस्कार में बदल जाते हैं, ये संस्कार बन जाते हैं। रोटी और दाखरस आप वेदी पर देखते हैं, अभी साधारण रोटी है, कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वो साधारण रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में और रक्त में परिवर्तित की जाएगी। मां मरियम के गर्भ में जैसे प्रभु यीशु मसीह पहली दफा आए, पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा उनके गर्भ में उन्होंने गर्भ धारण किया, और ये चमत्कार हम दिन प्रतिदिन वेदी पर हम देखते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, निरंतर वो चमत्कार पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा घटित होते हुए हम अपने आंखों के सामने हम देखते हैं। जब कोई भाई और बहन जब बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करता है, उस पवित्र जल, उस जल के सामर्थ्य में पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं। जब एक व्यक्ति पापसी का संस्कार में अपने पापों को स्वीकार करता है, प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उनके पाप क्षमा किए जाते हैं। आप लोग आज इस गिरजाघर में भर के आए हैं, आप सोचते होंगे आप अपनी शक्ति से यहाँ पर पहुंचे हैं, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, उनकी शक्ति द्वारा आप यहाँ पर आज उपस्थित हुए। आज का पहला पाठ, जैसे आज का पहला पाठ दूसरा पाठ कहता है, प्रिय भाई बहनों, कोई भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा के बिना
ये नहीं कह सकता यीशु प्रभु हैं। यदि यीशु को आप मानते हैं, उनको प्रभु कहकर पुकारते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप पुकार रहे हैं। आपके अंदर कई लोगों के अंदर विविध वरदान आए हैं, ये सब वरदान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा आपको पाए हैं। और ये वरदान आपके लिए नहीं दिए, पवित्र आत्मा ने औरों की सेवा के लिए ये वरदान आप लोगों को प्रदान किए हैं। प्रिय भाई बहनों, इस बात को प्रिय भाई बहनों हम एक तरह से कह सकते हैं, कलीसिया में दो ऐसी जो घटनाएं हैं जो कलीसिया का रूप भी बदल दिया है। एक तो कुछ 60 साल के पहले दूसरी महासभा संत जॉन पॉल 30 ने बुलाई थी, जब सब कुछ सोच रहे थे ये बूढ़ा संत पापा क्या कर सकता है, थोड़े समय के लिए रह जाएगा, इनके स्थान में और किसी को हम नियुक्त करेंगे। लेकिन ईश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति को चुना पूरे कलीसिया को हिला के रखने के लिए। और उन्होंने उस दिन जब उसकी पहला अधिवेशन, पहली मीटिंग जब चली, उन्होंने एक खिड़की खोल दी और उन्होंने कहा कलीसिया में पवित्र आत्मा आने दो, उनकी हवा बहने दो। और हम देखते हैं दूसरी वैटिकन महासभा कलीसिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण निकला और उसके अच्छे परिणाम आज भी हम महसूस कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया के बीच में एक नया संत पापा है फ्रांसिस, जो लोगों का संत पापा के रूप में जाना जाता है। शुरुआत से ही उन्होंने कलीसिया के ऊपर पूर्ण ध्यान दिया और विशेष करके लोक धर्मियों की सहभागिता के लिए वो चाहता है ज्यादा और ज्यादा लोग इस कलीसिया में सक्रिय भाग लें। और इसलिए उन्होंने अपने वीर विश्व पत्रों द्वारा उनको प्रोत्साहित किया है। और विशेष करके अब की जो सिनड जो उन्होंने बुलाई है, ये तो ऐतिहासिक साबित हो जाएगा, कलीसिया के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि इस सिनड के सदस्य आप और मैं हूं। जितना आप हैं, जितने हर एक बपतिस्मा प्राप्त हर एक ईसाई इस सिनड के सदस्य हैं, और आपकी बात सुनने के लिए वो चाहता है। हर एक को वो कहता है पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति है, पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति है जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, और हर एक को ईश्वर प्रेरित करता है। और इसलिए वो चाहता है हर एक की बात सुने, हर एक को बोलने के लिए अवसर मिले, और आखिरी में उस बात को, उस जो कुछ बोला है वो पवित्र आत्मा के रूप की तरफ देखकर देखे, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ये नहीं है। वो चाहता है इस कलीसिया में जो कमियां हैं दूर करने के लिए वो कोशिश करते हैं, कि उनके मकसद है इस सिनेट के द्वारा। और एक तरह से वो इस कलीसिया को उस आदि कलीसिया के या प्रारंभिक कलीसिया के ओर ले जाना चाहता है, जहां ईश्वर का आत्मा विद्यमान था और लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरों की समस्याओं को जानते थे, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते थे। प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हर एक में विद्यमान है, चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, क्यों क्या बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि जो हाशिए पे पड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, क्यों अमीर या गरीब, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा उपस्थित है, हर एक को वो प्रेरित करता है। कुछ समय के पहले की घटना है, कुछ वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे थे कि अंतरिक्ष में जब हम पहुंचेंगे कौन सी शाही का इस्तेमाल वहां हो सकता है, कौन सी शाही को इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्योंकि सब तरह की चीज अंतरिक्ष में चल नहीं सकती हैं जैसे यहाँ चलती हैं। तब उनका छोटा सा एक बेटा, वैज्ञानिक का एक बेटा कहता है, पापा पेंसिल लेके जाना, मेरी पेंसिल लेके जाना, देखो इस बच्चे को पवित्र आत्मा कैसे प्रेरित करता है। वो बड़े बड़े चीजों में अपना दिमाग लड़ा रहे थे कि एक बच्चे को एक तरह से प्रेरित किया जाता है कि ये पेंसिल कहीं भी चल सकती है। प्रिय भाई बहनों, आज हम सबों को माता कलीसिया में बुलाया है इस सिनड का हिस्सा बनने के लिए। आज जरूर हमारी कलीसिया या धन मेरठ की धर्म प्रांत की कलीसिया के स्तर पर हम जो विचार विमर्श कर रहे थे वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन सिनड तो चल आगे बढ़ेगी। जो कुछ हमने सीखा है उसको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। वो एकता, वो सहभागिता, वो मिशन जो हमें मिला है उसको आगे बढ़ाने का कार्य मेरा और आपका उतना ही है। मैं एक पुरोहित के रूप में कार्य करूंगा और आप एक लोक धर्मी के रूप में आप काम करेंगे, लेकिन ये सच जिम्मेदारी है। ये ना भी कहिए फादर आप सिर्फ कर सकते हैं सुसमाचार का प्रचार, ऐसे नहीं होगा। आप सब उसमें मदद कर सकते हैं, नहीं मैं भी उतना ही मदद कर सकता हूं उस व्यक्ति को जो मुसीबत में फंसा है, मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। एक दूसरे के जीवन में अनबन है उसमें एकता, प्रेम, शांति, सद्भावना, ये सब गुण लाने का कार्य जितना मेरा है वो आपका भी है। यही है सुसमाचार का जीवन। प्रिय भाई बहनों, जो पहले ईसाई लोग जीते थे, आज दोबारा हमें सजग किया जाता है कि हमें जीने के लिए कलीसिया बुला रही है। हम अपने तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं। कलीसिया ने मानो अपने दरवाजे, ना केवल खिड़की, पवित्र आत्मा के लिए खोल दिया है। पवित्र आत्मा की हवा चलेगी इस कलीसिया में और जो भी कमियां है पवित्र आत्मा दूर करने करेगा यदि हम उनके साथ सहयोग देंगे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम अपनी दिल और आत्मा पवित्र आत्मा के लिए खोल दें, ईमानदारी से, सच्चाई से अपना व्यक्तिगत जीवन को हम उनकी परीक्षा करें, परख करें, और जो कमियां हैं हिम्मत के साथ उनको निकालने का हम प्रयत्न करें। और तभी ये सिनड कुछ मायने रखता है, कुछ अर्थपूर्ण रखता है। नहीं तो हमने कुछ धर्म विधियों में भाग लिया, कुछ मीटिंग में भाग लिया और बस वहीं छोड़ दिया हमने। नहीं, ये संत पापा भी जानता है, ये कलीसिया का एक स्टाइल बन जाएगा। अभी हमारे कलीसिया का जीने का तरीका ये रहेगा, इस रूप में हम जीने का प्रयत्न करेंगे, जैसे भी जी रहे थे, लेकिन वैसे नहीं। अभी कलीसिया जैसे चाहती है वैसे हम जीने का हम प्रयत्न करें। ये काम दो या दिन, दो दिन में, या एक वर्ष या दो वर्ष में नहीं, ये हमारा कार्य पूरे अपने जीवन काल में जारी रहेगा। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग दें, अपना जीवन स्वयं बदलें और दूसरों का जीवन भी बदलने का प्रयत्न करें। और हम सब सहयात्री हैं, एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। हमारा असली घर स्वर्ग है, वहाँ के सब हम यात्री हैं, हमें एक दिन सबों को वहीं पाना है। तो आइए हम प्रभु से आज इस मिस्सा बलिदान के समय प्रभु से कृपा मांगें, ताकि उस आत्मा से प्रेरित होकर एक आदर्श, एक उत्तम क्रिश्चियन जीवन जीने का निर्णय लें, आज जीने का प्रयत्न करें। प्रभु इसमें हमारे लिए बहुत कृपा प्रदान करेंगे। आइए प्रिय भाई बहनों, हम अपना विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता,
सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए उन्होंने पौलुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और दुलोक में उतरे, वे तीसरे मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्रिय भाई बहनों, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर जीव के अग्नि के रूप में उतरा और उसने अपनी उपस्थिति का आभास आंधी जैसे आवास के से कराया। हम सबों पर, कलीसिया पर और इस धरती पर पवित्र आत्मा उतरे और उस उद्देश्य से हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों तथा धर्म भाई बहनों के लिए। हे प्रभु, उन्हें पवित्र कर तथा चंगा कर, उन्हें अपने अनुग्रह से भर दे। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर फादर वैलेरियन पिंटो के लिए। हे प्रभु, उन्हें अपना आत्मा प्रदान कर ताकि वे आपकी आत्मा की अगुवाई में मेरठ धर्म प्रांत के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस सिनर्ड यात्रा के लिए। हे प्यारे प्रभु, हम सबको धैर्य तथा साहस प्रदान कर कि हम सच्चे मार्ग पर चलें। पक्षपात और ईर्ष्या से दूर रहते हुए हम सब इस सह यात्रा में एकता के साथ चल सकें। हमें मार्गदर्शन देने के लिए पवित्र आत्मा भेज तथा हमारी दृष्टि तथा समझ को परिपूर्ण बना दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शांतिदायक यीशु, यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण को तेरे सम्मुख लाते हैं। हे ईश्वर, हम सबों को अपना आत्मा प्रदान कर ताकि हम प्रेरितों के समान निडर तथा सबल बन सकें। हमें पवित्र आत्मा के फलों तथा वरदानों से भर दे ताकि हमें विश्वास में दृढ़ता मिले और हम एक पवित्र जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, अत्यधिक गरीबी में पड़े लोगों को तथा अनाथ और बेसहारा बच्चों को तेरे समीप लाते हैं। हे प्रभु, उन्हें अपनी बाहों में ले ले ताकि वे आराम और आशा महसूस कर सकें। उनकी शारीरिक तथा आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा कर और हे प्रभु, हम सब विश्वासियों का मार्गदर्शन कर ताकि हम गरीबों की सहयोग के लिए सदैव अपने हाथ आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय पिता, जीवन और स्वास्थ्य के दाता, सभी बीमार लोगों को सांत्वना दे, अपनी शक्ति से उन लोगों की कमजोरी को दूर कर दे, उन्हें चंगाई प्रदान कर और रोग शैया से उठने दे ताकि वे स्वस्थ होकर तेरी महिमा का बखान कर सकें तथा तेरी दया के लिए उचित धन्यवाद दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पवित्र आत्मा के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम पर ऐसी कृपा कर कि पवित्रता हमारे मन को ज्योतिर्मय बनाए, हमारे दिल को निर्मल बनाए और हमारी इच्छा शक्ति को सबल प्रदान करे ताकि हम यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं को समझें और उनका पालन करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Thank you.
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे साथ में समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा, वो हमें इस बलिदान के छिपे रहस्यों को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रिया बना लिया है और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इसीलिए पास्का के आनंद से बोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर वलेरियन, सभी धर्माध्यक्ष, सभी आयोजकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया के सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वरदन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्राइस्ट के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं,
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्व से शांति ता एकता प्रदान कर, युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं, धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं स्तुति करूं। इसका शरीर पता रखना जीवन तक मेरी रक्षा करता है।
आजे प्रभु और मिटा दे भूख मेरी, जीवनदायक पानी मुझे दे प्रभु और बुझा दे प्यास मेरी। जीवन नायक रोटी दे।
प्रिय भाई बहनों, फिर से मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समारोह के लिए, विशेष करके फादर फास्टिन पिंटो जो डायसिजन कोऑर्डिनेटर थे, बहुत परिश्रम किया है इस सिनड के समय में, जरूर हमारे बिशप स्वामी के साथ मिलकर, और इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में हम आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। सो मैं फिर से धर्म प्रदेश की ओर से सबों को, सभी कोऑर्डिनेटर्स टीम जो थी, डायसिजन टीम, जोनल टीम और बहुत सारे दूसरों ने इसमें सहभागिता दिखाई है, रुचि दिखाई, सबों को और विशेष करके आज जो इस समारोह में उपस्थित हुए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर आपको बहुत आशीष दें, आपकी वापस यात्रा प्रभु सफल रखें। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से भूषित करता है, उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है, हमारे देव में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ाता जाए, और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोग विदा लें प्रभु की। आशीष के लिए सिर झुकाएं। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया, वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करें और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। वो दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है, वही आप लोगों को ऐसे अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आप लोग विदा लें प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया।